जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत आपका फिर से मेरी एक और वीडियो में। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज की कुछ रेल अपडेट्स। मैं हूं आपका रेल दोस्त रोहित मेवाल। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। दोस्तों, पहली अपडेट आ रही है दिल्ली बाड़मेर द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। जब इस ट्रेन की मांग की गई तब मालानी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से चलाने की मांग की गई थी। तब जाकर एक नई ट्रेन को सप्ताह में दो दिन चलाया गया। जब इस ट्रेन को चलाया गया तब इस ट्रेन का नाम मालानी नहीं रखा गया, इसलिए ट्रेन का नाम मालानी एक्सप्रेस रखने की मांग की गई। और अब जाकर रेलवे बोर्ड की तरफ से इस ट्रेन का नाम मालानी एक्सप्रेस करने की अनुमति दे दी गई है। अब इस ट्रेन की पहचान मालानी एक्सप्रेस से की जाएगी। अगली अपडेट दिल्ली के आनंद विहार और लखनऊ के बीच चलने वाली डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। काफ़ी टाइम से इस ट्रेन को बंद कर रखा है। रेलवे ने इससे पहले भी इस ट्रेन को मार्च में चलाने के आदेश दिए थे, मगर किन्हीं कारणों की वजह से रेलवे इस ट्रेन को नहीं चला सका। मगर अब फाइनली इस ट्रेन को चलाने के लिए आदेश मिल चुके हैं, अनुमति मिल चुकी है। रेलवे दोनों तरफ से इस ट्रेन को 10 मई से शुरू करने जा रहा है। अगली अपडेट डिब्रूगढ़ और न्यू दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। रेलवे इस ट्रेन का टर्मिनल पॉइंट चेंज करने जा रहा है, मतलब ये ट्रेन असम में डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही टर्मिनेट होती है, मगर आने वाली 25 अगस्त से डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट होगी। न्यू तिनसुकिया के बाद डायरेक्ट डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन पर ख़त्म होगी। लॉकडाउन से पहले भी ये डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन से ही ऑपरेट होती थी। अगली अपडेट जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। रेलवे इस ट्रेन का विस्तार बीकानेर तक करने के लिए 2020 में ही अनुमति दे दी थी, लेकिन अब तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन नहीं हुआ। तब एनसीआर ने बोला था कि इसका एक एडिशनल एलएचबी रेक आ जाने के बाद इस ट्रेन को बीकानेर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अब जाकर 1.5 साल बाद एलएचबी रेक मिलने के बाद रेलवे ने बीकानेर तक चलाने की तारीख भी घोषित कर दी और उस घोषित को टेक्निकल इशू बताकर रद्द भी कर दिया गया। अब पता नहीं क्या टेक्निकल इशू के कारण उत्तर मध्य रेलवे ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट रेलवे कुछ और बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने जा रहा है। लिस्ट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते को नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।